नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के मंडली चिकित्सालय में 4 दिन पहले दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई थी, जहां मुंबई से पहुंची एक कोरोना संदिग्ध महिला की अस्पताल के गेट पर बस पर बैठे करा रही थी, लेकिन धरती के भगवान ने उसे जिंदगी के बजाय मौत दे दिया। यही नहीं, महिला का बेटा गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन डॉक्टर तब तक बस के आसपास नहीं भटके जब तक महिला ने दम तोड़ नहीं दिया। महिला की मौत के बाद मंडली चिकित्सालय के डॉक्टरों ने महिला का सैंपल लेकर उसके बेटे को क्वारंटाइन कर दिया है। वहीं इस मामले में जिलाधिकारी का कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बताते चलें कि 24 मई को मऊ जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला मुंबई में रहती थी। कोरोना के चलते वह मुंबई से अपने बेटे के साथ ट्रेन से प्रयागराज पहुंची, जिसके बाद 30 लोगों को एक सरकारी बस में बैठाकर आजमगढ़ के लिए भेजा गया था। बस दोपहर में आजमगढ़ बस स्टेशन पर पहुंची, जहां महिला बुखार से तप रही थी। सभी को बस से बाहर निकाला गया। स्वास्थ्य टीम ने एम्बुलेंस को मौके पर बुलाया, लेकिन पीपीई किट न होने के चलते एम्बुलेंस चालक ने महिला को बस से उतारने से मना कर दिया, जिसके बाद बस से ही महिला और उसके बेटे को जिला चिकित्सालय भेजा गया। आरोप है कि बस जिला चिकित्सालय पहुंची तो डॉक्टर बस के पास जाने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद बस करीब 3 घंटे तक अस्पताल के क्वारंटाइन सेंटर के सामने खड़ी रही और महिला का बेटा लोगों से मदद की भीख मांगता रहा। इस मामले में जिलाधिकारी ने बताया कि मामले में उसी दिन से सीडीओ और सीएमओ मामले की जांच कर रहे हैं। जांच के दौरान रोडवेज परिसर में लोगों के बयान लिए गए, लेकिन मृतक महिला के बेटे के बयान में विरोधाभास था। इसके लिए प्रयागराज के बस चालक से संपर्क किया जा रहा है। अगर जांच में जो दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर के पास हम लोग 4 बजे से आए थे, 4 का पहले 3 बजे आए। 12 बजे से लेके उधर 2 घंटे हम लोग बस स्टॉप पे इधर उधर टाइम पास करता रहा, कुछ नहीं किया। बोलते एम्बुलेंस आ रहा है, करता हूँ। वहाँ से फिर बस से यहाँ भेजा, नहीं अभी कुछ हुआ नहीं। 2 घंटे इधर हो गए, लेकिन अभी कुछ आला वाला नहीं हो रहे, न चेक करने आ रहे हैं न छोड़ रहे। तो आप कहीं फोन किए 108 नंबर सरकारी एम्बुलेंस नंबर को आप कॉल करिए। सरकारी बस ऐसा भेजा ना, एम्बुलेंस भी देना चाहिए ना। बात ठीक है, लेकिन आप ट्राई करते रहिए। सीडीओ और सीएमओ को जांच दी थी। सीडीओ ने जांच को परसों ही शुरू कर दिया है। दोनों लोगों ने रोडवेज पर कुछ लोगों के बयान भी लिए हैं, लेकिन वो चूंकि बस प्रयागराज की थी तो उसके ड्राइवर से भी कांटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि रोडवेज पर जो लोग उपलब्ध थे उनके वर्जन में और जो दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई थी महिला की, उसके बेटे के वर्जन में थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए उस ड्राइवर से भी वो सर्टिफाई करने के लिए बयान ले रहे हैं, और अगर उसमें कोई दोषी पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।